हेलो दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल पर गूगल फॉर्म को कैसे चूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ईजी और सिंपल सा तरीक़ाकार है। आपको मुकम्मल तरीक़ाकार गाइड करूंगा, तो आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि आप गूगल फॉर्म को यूज़ कर सकें इजी के साथ, वो भी अपनी मोबाइल या एंड्रॉयड फ़ोन पर। तो सबसे पहले आपने गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम ओपन हो जाएगा तो आपने यहाँ पर जो है आना है राइट साइड पे। ये आपको जो डॉट्स नज़र आ रहे हैं इनके ऊपर आपने ओके करना है। ओके करने के बाद आपके सामने गूगल के जितने भी ऐप्स हैं वो शो हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो गूगल ने जितने भी जो इसके ऑफिशियल ऐप्स हैं वो उसने शो कर दिए हैं। तो आपने क्या करना है, इस पेज को स्क्रॉल अप करना है। इस पेज को ऊपर करेंगे तो यहाँ पे नीचे आके आपने देखना है कि यहाँ पर जो है लिखा हुआ है गूगल फॉर्म। इसके ऊपर आपने ओके कर देना है। इसके ऊपर आप जैसे ही ओके करेंगे तो आपके सामने गूगल फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ब्लैंक जो है वो ओपन हो चुका है फॉर्म आपके सामने। अब आप जो है इसको यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। सबसे पहले जो है इसकी टाइटल जो है वो अनटाइटल फॉर्म लिखा हुआ है। इसके ऊपर ओके करके आप इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। जैसे इसको हम रिमूव कर देते हैं और इसकी जगह हम अपनी मर्ज़ी का जो इसका टाइटल है जो हम रखना चाहते हैं वो रखेंगे। तो इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, मुकम्मल जो है सेलेक्ट ऑल कर लें। सेलेक्ट ऑल करने के बाद इसके ऊपर आपने जो जैसा कि मेरा प्रोजेक्ट वन है तो इसको हम प्रोजेक्ट वन का नाम दे देंगे। उसके बाद इनको आप इटैलिक जो है अंडरलाइन बोल्ड वगैरह करना चाहते हैं तो नीचे ये ऑप्शन दिए हैं, इनको आप इटैलिक बोल्ड अंडरलाइन कर सकते हैं। उसके बाद आप फॉर्म डिस्क्रिप्शन पे आके इसकी डिस्क्रिप्शन एंटर कर लेंगे। अगर आपने को करनी है तो मिसाल के तौर पे ABC मैं लिख देता हूँ, कुछ आप इनको एंटर करके मज़ीद इनकी जो है वो नंबरिंग वगैरह या डॉट्स वगैरह जो भी आप लेना चाहें जहाँ से इनको दे सकते हैं, अंडरलाइन वगैरह जो भी कर सकते हैं। ये चीज़ें करने के बाद नीचे आ गए हैं ऑप्शन एंटाइटल क्वेश्चन के। ऑप्शन ऑप्शन वन है, इसके ऊपर हम ओके करते हैं। तो ऑप्शन वन में आपने लिख देना है जो भी आप लिखना चाहें। मिसाल के तौर पे इसका आंसर ए है तो हम ए लिखेंगे। जो भी चीज़ आप लिखना चाहें या मल्टीपल चॉइस में जहां आप क्लिक करके चेक बॉक्स भी ले सकते हैं, ड्रॉप डाउन भी ले सकते हैं और भी लाइन स्क्रॉल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं आप यहां से वो एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा और ऑप्शन ऐड करने के लिए नीचे एक ऑप्शन आ रहा है ऐड अदर, इसके ऊपर आप ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप यहाँ पर जो है वो नया जो ऑप्शन है वो भी ऐड कर सकते हैं, इनमें पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं। मज़ीद इस तरह की जो है सारी जो इसकी ट्यूटोरियल है मैं फर्दर वन बाय वन आपको यहाँ पे अपलोड करता रहूँगा। तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। ये छोटा सा मैंने आपको रिव्यू दिया है, बाकी चीज़ें इस पर अपलोड हो